Hello everybody, welcome to iExamWee. This is Amrita and in this video today I am going to discuss with you the important provisions of Constitutional Law of India 1950 which is relevant from the point of view of IBPS SO Law Officer Examination as well as CBI Legal Officer Examination. But before that, do subscribe to our YouTube channel by pressing the bell icon, and also these are the ways by which you can contact to iExamWee. You can visit our website for more information relating to government exams. Call on this number, and also you can write to us at hello@iExamWee.com. IBPS SO Law Officer Examination and CBI Legal Officer Examination का डिस्कशन हम साथ में करने वाले हैं, बिकॉज दोनों एग्जाम्स का सिलेबस नियर अबाउट सिमिलर है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लीगल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, एंड वहाँ से कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में. इन शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को आपको थरोली प्रिपेयर करना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसको प्रिपेयर करने का अगर तरीका आपको समझ में आ जाए तो इट विल बी ईजी फॉर यू, एंड आप काफ़ी सारा सिलेबस प्रॉपर टाइम में कवर कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल डिस्कशन, लेट मी टेल यू अबाउट iExamWee इज सेलिब्रेटिंग इट्स बर्थडे, 5 years ऑफ टुगेदरनेस विद iExamWee, एंड ऑन दिस ओकेजन वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्लैट 40% ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल एट iExamWee. ये सारे कोर्सेज हैं जो iExamWee में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं एग्री, राजभाषा एंड लीगल. लीगल के लिए भी ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. इवन CBI एंड एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लीगल ऑफिसर कोर्सेज इसमें ऐड करके वी आर हैविंग 7 to 8 कोर्सेज दैट आर ऑन गोइंग फॉर लीगल एग्जाम्स. एंड इन सारे कोर्सेज पे, ना कि सिर्फ लीगल, राजभाषा, एग्री, ये सारे कोर्सेज पे iExamWee इज प्रोवाइडिंग अ फ्लैट 40% ऑफ. आप ये कोड यूज कर सकते हैं, और एडिशनल 5% ऑफ इज ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड ऑन कॉम्बो कोर्सेज. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन में कोर्सेज खरीदते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 or 3 एग्जामिनेशन एट अ टाइम, तो फॉर देम ऑल्सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल ऑफर. सो विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम iExamWee, वी आर हियर सेलिब्रेटिंग iExamWee's 5th birthday. So you can anytime avail this benefit. And for more details, as I have shared the contact details with you, you can contact to iExamWee through those modes of like you can call or you can even write to us. Constitution of India 1950 start karte waqt मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे कोट किया है, दैट इज द प्रीएम्बल. अब प्रीएम्बल से मैं इस वीडियो को इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रीएम्बल इन इटसेल्फ गिव्स एन एंटायर लाइट, इट थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसे की टू द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है. और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इन इटसेल्फ, प्रीएम्बल को इन इटसेल्फ देखोगे तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स एक्चुअली डिपिक्ट करते हैं जितने भी कोर पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के. सो प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आपको याद रखना है. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, रिमेंबर दैट, सो दैट यू कैन कवर एवरीथिंग इन लेस टाइम, यू कैन कवर मोर. ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए तो आपकी स्टडीज कॉम्प्रिहेंसिवली होगी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. IBPS SO लॉ ऑफिसर एंड CBI लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला टॉपिक वो इंपॉर्टेंट जो होगा, दैट इज प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग वी सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, इन सब के मीनिंग्स और रेलेवेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जस्टिस के 3 डाइवर्स फॉर्म्स जो डिस्कस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से पार्ट्स में डिस्कस किए गए हैं, उसका रिलेटिविटी आपको पता होना चाहिए.
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. लिबर्टी के कितने फॉर्म्स डिस्कस किए गए हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी. वॉट इज फ्रैटर्निटी? फ्रैटर्निटी इज अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. तो यहाँ पे कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको रिलेट हो रहे हैं, इस तरीके से आपको रिलेटिवली प्रोविजन्स को पढ़ना है. एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो है प्रीएम्बल का, दैट इज कमिंग अप. यहाँ से दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कमेंसमेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ईयर, मंथ. यू शुड बी थरोली प्रिपेयर्ड विथ. ऐसे भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं जो आप 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, एंड ईजीली स्कोर भी कर सकते हैं. सो टेक नोट ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो सीरीज मेरी चलती आ रही है, सारे सब्जेक्ट वाइज बैंकिंग लॉज हमने कवर किया फॉर IBPS एग्जामिनेशन. देन वी हैव कवर्ड अदर सब्जेक्ट्स, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक वास्ट टॉपिक है, तो इसमें से आई हैव पिक्ड अप एज देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से पार्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं. ओके, स्टार्टिंग विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. नो डाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट इज जस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 आर्टिकल्स. ये बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडियन टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, हु हैज द पावर टू डिटरमाइन द formation of new states and boundaries, everything that is there in the hands of the parliament, right? तो वो आपको अच्छे से prepare करना है अगर यहाँ से कोई question आ जाए तो. And there are anyhow only 4 articles. The next part which is important is fundamental rights. ये तो core है constitution का. अभी जो मैं आपको topics बता रही हूँ, ये जो 2-3 parts हैं ये core है constitution का. Remember that. जो important बता रही हूँ उसमें से भी सबसे ज़्यादा important है fundamental rights. All the articles you should prepare thoroughly. Article 12 to Article 35. Be prepared conceptually as well. कुछ अगर twisted and turned questions आते हैं यहां से आने के chances हैं. Directive principles of state policy is also very very important. Article 36 to 51. यहां पे अगर आपको at least इतना भी पता है that which kinds of directive principles are covered under this part, that is also enough. बाकी कुछ articles हैं जैसे uniform civil code हो गया, article 44, उतना तो आपको article number wise पता होना चाहिए. and directive principles of state policy और fundamental rights का correlation भी एक important topic है. so when you are studying these two part, study that also. तो आपकी studies इसको कहते हैं comprehensively you have cover करना. okay, नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. सारे ड्यूटीज लाइन बाय लाइन पता होने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51A में कवर होता है, पार्ट 4A में कवर होता है, और ये सारे ड्यूटीज हैं. एक आइडिया होना चाहिए कि इतने सारे ड्यूटीज हैं. ये हो गया कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें मैं आर्टिकल नंबर्स भी सजेस्ट करूंगी आपको, दैट यू शुड लर्न. सारे आर्टिकल्स तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी टफ फॉर यू, एंड इतना टाइम आप एक सब्जेक्ट पे डालना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आप जो इम्पोर्टेंट वाले हैं जिनका मैं कह रही हूँ दैट आपको करना है, तो वो आप अच्छे से कीजिए. देन द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स इज यूनियन एंड द स्टेट. यूनियन एंड द स्टेट आई वुड से यू शुड स्टडी पैरेलली. अगर सपोज आपको यूनियन अच्छे से समझ में आ जाता है तो स्टेट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर correlated only. एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसपे यूनियन एंड स्टेट काम करता है, किस तरीके से डिविजन ऑफ पावर्स होते हैं. आर्टिकल 52 टू 151 डील्स विद यूनियन, 152 टू 237 डील्स विद स्टेट. अब इसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है. तो वैसे ही स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है, जुडिशरी है. तो आप एक फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हो सारे स्ट्रक्चर और सारे फ्रेमवर्क का. प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा कोर पार्ट है, तो उसके आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, देन प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोविजंस, प्राइम मिनिस्टर कौन से अपॉइंटमेंट्स कर सकता है, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनके आर्टिकल नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए. बाकी जो पार्ट्स हैं
उनका आप अगर आप अगर आपको ये भी पता है दैट हाउ द बॉडीज फंक्शन एंड विच आर द बॉडीज बेसिकली अंडर विच आर्टिकल दे आर एस्टैब्लिश, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर यू. एंड यूनियन अगर आपको अच्छे से ध्यान में रहता है तो स्टेट सिमिलरली यू कैन कीप दैट इन माइंड, इट वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू. सो स्टडी इट पैरेलली, ओके, स्टडी इट टुगेदर सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू कवर कॉन्स्टिट्यूशन इन लेस टाइम. Then relations between union and the states is the next important part, which is important exam point of view से भी important है. दोनों भी parts का relation discuss किया है 245 और 263 में. यहाँ पे twisted questions पूछे जा सकते हैं, that's why this part is important. आपको सब कुछ learn करना जरूरी नहीं है यहाँ पे, but understand करना बहुत जरूरी है अगर यहाँ से कोई twisted questions आते हैं तो. part 11 से financial relations भी discuss किए गए हैं पार्ट 12 में, आर्टिकल 264 टू 300 ए में. तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ये सब पार्ट 11 एंड 12 में आपको कवर कर पाओगे आप. लेजिस्लेटिव रिलेशंस में कुछ आर्टिकल्स हैं लाइक रेसिड्यूरी पावर्स 248 में डिस्कस किया है, 245, 246, ये कुछ आर्टिकल्स हैं इनिशियल जो आपको लर्न होने चाहिए दैट बिकॉज वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करते हैं, पावर कॉन्फर करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर काफ़ी सारा. सो दैट आर्टिकल्स यू शुड रिमेंबर. प्लीज यू कैन नोट दीज थिंग्स डाउन, एटलीस्ट मार्क कर लो अपने अपने बैरक्स में कि ये सब आपको लर्न करना है. जो मैं बता रही हूँ वो सब आपको लर्न करना ही है, ओके. अगर आपको टॉपिक अच्छे से थरली प्रिपेयर करना है तो ये मिनिमम है, ओके. एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट. अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी ये सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं. यू विल ऑल्सो गेट द पीपीटी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. देन कम्स ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी. ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है इसमें, आर्टिकल नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो दैट वॉट दिस पार्ट बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स. ये पार्ट इसलिए लिया गया है बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, सीबीआई हो, आईबीपीएसएसओ हो, ये दोनों भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है. यू नेवर नो, एग्जामिनर्स कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स बिकॉज फॉर द पोस्ट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आर गवर्न अंडर दीज parts of the constitution. तो ये आपको पता होना चाहिए basics. Then the official language, language से related कभी कभी direct questions आ जाते हैं. Official language union की क्या है, हिंदी है, देवानागरी script में है, ये सारे जो points है, courts की language क्या है, all these points you have to be clear with. Then emergency provisions, which are the very basic three kinds of emergencies, article numbers के साथ आपको पता होना चाहिए. That 352 covers proclamation of emergency, state emergency, that is presidential rule 356, 360, financial emergency. थोड़ा सा यहाँ पे आप financial emergency को भी importance देना चाहिए, current affairs को भी relate करके आप ये topic prepare कर सकते हैं. Topic wise अगर आप prepare करोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी कवर होगा एंड अच्छे से कवर होगा, रिमेंबर दैट, ओके. सो इमरजेंसी इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड देन कम्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देर इज ओनली वन आर्टिकल इन दिस बट दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे पिक किया है, ओके. सो 368 पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ लो, हाउ इट वर्क्स, कौन से एक्सेप्शंस है जो अमेंडमेंट में कवर नहीं होते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस एंड पार्ट्स हैं जो मैं आपको पैरेलली बता रही हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. इस तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ से आ सकते हैं वो यही पार्ट्स हैं फॉर दीज टू एग्जामिनेशंस, ओके. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. एंड लेट मी टेल यू एंड अबाउट द लाइव सेशंस दैट आर गोइंग ऑन एट आई एग्जामी. दीज आर इन इफेक्ट सिंस 8th of November. वी हैव 3 फैकल्टी फॉर लीगल एंड वी आर डीलिंग ईच टॉपिक सेपरेटली. This is the schedule that is going on. November is completed, December is going on. All these subjects are being conducted by these faculty in the classes. This is a tentative schedule I have shared with you. This is subjected to changes,
एज पर रिक्वायरमेंट्स. जो भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के हमारे, वी कवर दोज डाउट्स इन दीज लाइव क्लास डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस. बेसिकली वी ट्राई टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लाइव इंटरेक्शन. जनवरी का ये शेड्यूल है हमारा एंड वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस फॉर लीगल बाय जनवरी. एंड ऑल्सो द वी थ्री एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ लीगल आर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम ऑन यूट्यूब. आप इन सारे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, आपके जो भी रिक्वेस्ट्स हैं. अगर आपको कोई वीडियोज़ चाहिए, आपको कोई पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, एनी टाइम यू कैन राइट टू अस. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. एंड ऑल्सो ऑन द ईव ऑफ 5 years of iExamB, we have decided to save the date, that is December 13, 2021. We are organized free live classes at 10 AM and all India mock test at 5 PM. वैसे तो iExamB में सारे mock tests free हैं. हमारे website पे आप कभी भी जाके उन्हें attempt कर सकते हैं. But IBPS SO exam is approaching near, तो उसके लिए we have decided to whole live classes for free at 10 AM on 13th of December and all India mock tests at 5 PM on 13th of December. So you can visit for more details www.iexamb.com and help, let iExamB help you make government exams easy for you. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. And that's all for from my side relating to this topic today. Thank you so much for joining.